नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार से भाग विधि की सहायता से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, आपको एक संख्या दी गई है 625। आपको इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जो भी संख्या आपको दी जाती है, सबसे पहले आपको उस संख्या में दो दो अंकों की जोड़ी बना लेना है, दो दो अंकों के पेयर बना लेना है। और यह जो आप पेयर बनाएंगे, यह हमेशा उस संख्या के पीछे के अंकों से आपको बनाना प्रारंभ करना है। तो यहाँ पर जब हम दो दो अंकों को लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 625 में जब हम दो अंक के पेयर बनाएंगे, तो यह पेयर आपको हमेशा उस संख्या के पीछे के अंकों से बनाना है। तो एक पेयर बन जाएगा हमारे पास 25 का, और इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ संख्या है 6। यदि इस तरफ भी दो अंक होते तो इस तरफ भी हम दो दो अंकों के पेयर बनाते चले जाते। अब यहाँ पर 6 है, तो इस 6 के साथ ही हम इस प्रश्न को प्रारंभ करेंगे। और अब हमको एक ऐसी संख्या देखना है जिसका हम वर्ग करें तो वह इस संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 2 से चेक किया, तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग 9 होता है, और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। जब आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो आपको यहाँ पर भी 2 लिखना है और यहाँ पर भी 2 लिखना है। और 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 को आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इन संख्याओं को प्लस कर देना है और इन संख्याओं को माइनस कर देना है। 2 और 2 को आपने प्लस किया तो 4 मिला आपको, 6 में से 4 को माइनस किया तो आपको 2 मिला। इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आपको जो अगला पेयर है, अगली जोड़ी है, उसको यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक संख्या लिखना है, और जो संख्या आप लिखेंगे तो फिर आपको उस संख्या का इस संख्या में गुणा करना होगा। जैसे यदि यहाँ पर 0 लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 40, और 40 में जब 0 का गुणा करेंगे तो हमको फिर 0 मिलेगा। यदि यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 41, और 41 में फिर हमको 1 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो यह हमको जब तक लिखना है, जब तक हमको यह चेक करना है कि जब तक हमको इस संख्या के बराबर या इस संख्या से छोटी संख्या प्राप्त नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर जो नई संख्या बनेगी तो वो हमेशा इस संख्या से बड़ी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम ये लिखते चले गए, और जैसे ही हमको ये 225 मिला, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने 5 लिखा था, और जब 5 का गुणा किया तो हमको 225 मिल गया। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। यहाँ पर जैसे ही आप 5 लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 5 लिखना है। 5 लिखने में यहाँ पर हमको 225 मिल गया है। अब 225 से 225 को जब हम माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास और कोई भी पेयर नहीं है, कोई भी जोड़ी यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से और समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको 50,625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हम दो दो के पेयर बना लेंगे, तो एक पेयर होगा 25 का, दूसरा होगा 06 का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक संख्या बची है 5। और अब हम एक ऐसी संख्या देखेंगे कि जिसका वर्ग करेंगे तो भाई इस संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग अधिक हो रहा है 5 से, तो 2 का वर्ग होता है 4, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर हमने 2 लिखा तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे। और 2 का वर्ग हुआ था 4, 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इनको माइनस कर देंगे, और इनको यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, और इनको यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। 2 और 2 को प्लस किया तो यहाँ पर मिला हमको 4, और 5 में से 4 को माइनस किया तो यहाँ पर मिला हमको 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अगला पेयर लिख देंगे, तो 06 को हम यहाँ लिख देंगे। और अब हम यहाँ पर एक संख्या ढूंढेंगे, जैसा हमने पिछले प्रश्न में ढूंढा था कि जो भी संख्या लिखेंगे उसका जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो वह इस 106 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर 2 लिखा तो यह संख्या बन गई 42, और 42 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको 84 मिला। लेकिन यदि हम 3 लिख देंगे तो इस संख्या से बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे।
यहाँ पर हमने 2 लिखा तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे, और यहाँ पर हमको 84 मिल गया है। और 106 से जब हम 84 को माइनस करेंगे तो हमको 22 यहाँ पर मिला। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अगला पेयर है यह है 25 का, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पर आपको हमेशा इन संख्याओं को अब प्लस करते चले जाना है। जैसे 42, अब 42 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमको 84 मिलेगा। और अब हम यहाँ पर फिर से एक संख्या देखेंगे, जो भी संख्या यहाँ लिखेंगे उसका इस संख्या में फिर गुणा करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप 5 लिखेंगे तो 845 में जब आप 5 का गुणा करेंगे तो आपको यह वाली संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर 5 लिखा तो यहाँ पर भी हमने 5 लिख दिया और यह संख्या हमको यहाँ पर प्राप्त हो गई। और यहाँ पर इनको हमने माइनस किया तो हमको यहाँ पर 0 मिल गया। अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं है, कोई भी जोड़ी यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से 50,625 का वर्गमूल हो जाएगा 225। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।